जीवन है अनमोल हमारा सीडी का लोकार्पण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के ने शनिवार को पुलिस लाइन स्थित मेस के सभागार में किया। भोजपुरी गायक राकेश श्रीवास्तव द्वारा रचित सीडी लोकार्पण का कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि शासन और प्रशासन की तरफ से यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है। उसी कड़ी में एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा के सहयोग से भोजपुरी एसोसिएशन के गायक ने लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में भोजपुरी गाना तैयार किया है। इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। गोरखपुर पुलिस की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हेलमेट का प्रयोग करें, साथ ही सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें। साथ ही एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस रोज़ बिना हेलमेट के दो लोगों की लाश उठाती है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, सभा के अध्यक्ष आदरणीय रूपलाल जी को आमंत्रित करते हैं कि वर्ष पुलिस अधीक्षक महोदय को उस प्रतिष्ठित देखिए सम्मानित करें और आप तो और शासन और सरकार और हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए। उसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस की तरफ से एसपी ट्रैफिक और हमारे भोजपुरी एसोसिएशन की तरफ से लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा भोजपुरी में गाना तैयार करके आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और अपना जीवन सुरक्षित रखें। उसी की सीडी का आज ये लोकार्पण हमने किया है और हम चाहेंगे कि ये 2-3 मिनट का एक सॉन्ग है जिसमें हमने संदेश देने की कोशिश करी है गोरखपुर पुलिस की तरफ से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि औसतन हम डेली 2 डेड बॉडीज उठाते हैं जो किसी ना किसी वजह से हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से सर गंभीर चोट लग जाती है और बाद में लोग मारे जाते हैं। सीट बेल्ट ना पहने की होने वजह से आप बड़ी गाड़ी से टकरा जाते हैं और नुकसान लेते हैं। तो इस मुहिम का मकसद यही है, हम जान बचाएं और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करें। बिल्कुल जैसे कि आपने देखा ही है, पिछले 1 महीने से हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारा, मतलब 50% से अधिक लोग अब आपको शहर में हेलमेट लगाते मिलेंगे और मुझे लगता है जब हम उनकी अपनी स्थानीय भाषा में लोगों से अपील करेंगे तो इसका भी बहुत असर पड़ेगा। जी, हमारी ये कोशिश है कि हम कुछ प्रमुख चौराहों पे इसको लगातार जो है सीडी को लगा करके लोगों को अवेयर करने के लिए बजाएं और साथ ही सिनेमा हॉलों में और जो प्रोमिनेंट LED डिस्प्लेज हैं वहाँ भी हम लोगों से टाई अप कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, इसको सुने और इसको फॉलो करें।